सबसे पहले जब पेशेंट हमारे कंसल्टिंग रूम में आते हैं तो पेशेंट के सारे रिपोर्ट की जांच होती है, जैसे कि सर्जरी रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन। ये सब जांच करने के बाद रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं ये तय होता है। रेडिएशन थेरेपी कहाँ पर लगेगी, कितनी लगेगी, कितनी मात्रा में लगेगी, ये सब का डिस्कशन होता है। पेशेंट के मन में या रिलेटिव के मन में कोई भी डाउट है, शंका है, डर है, तो उनको हम दूर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रेडिएशन प्लानिंग होती है। रेडिएशन प्लानिंग में पेशेंट का एक स्पेशल थर्मोप्लास्टिक मास्क बनाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर पेशेंट को टंग कैंसर है तो चेहरे का और गले का मास्क बनाया जाता है। ये मास्क पेशेंट को पहना के एक प्लानिंग सिटी स्कैन होता है। ये सिटी स्कैन की इमेजेस नेटवर्किंग के जरिए हमारे कंप्यूटर में आ जाती है और हम ये इमेजेस पे कंप्यूटराइज रेडिएशन प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद क्वालिटी एश्योरेंस होती है और प्लान वेरिफिकेशन होता है। ये सब में तकरीबन एक दिन का समय लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। ट्रीटमेंट काउच पे पेशेंट को लेटाया जाता है और पेशेंट के लिए जो स्पेशल थर्मोप्लास्टिक मास्क बनाया गया है वो उनको पहनाया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इनबिल्ट सिटी स्कैन की मदद से ट्रीटमेंट वेरीफाई होती है। वेरिफिकेशन में तकरीबन 2 मिनट का समय लगता है। ट्रीटमेंट वेरीफाई होने के बाद एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू होती है, जिसमें ना ही पेशेंट को कोई रेडिएशन दिखाई देता है, पेशेंट को कोई भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है, ना ही पेशेंट के शरीर में कोई गर्मी पैदा होती है, पेशेंट को कुछ भी चीज़ छूती नहीं है। ट्रीटमेंट में रेडिएशन मशीन पेशेंट के आसपास घूमती है और इलाज करती है। ये सब प्रोसेस में तकरीबन 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मास्क वगैरह निकाल दिया जाता है और पेशेंट अपने घर जाते हैं। अगले दिन पे यही प्रोसेस रिपीट होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के देखने के बाद आपके कुछ डर और गलतफहमियाँ दूर हुए होंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।